कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में कांग्रेस के सभी मंत्री, विधायक, पीसीसी पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सभी बड़े नेता अभियान को सफल बनाने के साथ सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीसीसी मुख्यालय पर समाप्त होगी और राहुल गांधी वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। एआईसीसी ने 30 जनवरी को सभी पीसीसी मुख्यालय, जिला कांग्रेस मुख्यालय और ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ ध्वजारोहण समारोह के निर्देश दिए हैं। इसलिए सभी मुख्यालय स्तर पर राजस्थान में प्रमुख कांग्रेस जनों की मौजूदगी में ध्वजारोहण होगा। इसके तैयारियों के निर्देश भी इस सम्मेलन में दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता दशरथ सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, 26 तारीख से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है और उसी अभियान के तहत एक दिन पहले अजमेर के अंदर संवाद का कार्यक्रम रखा गया। आज जयपुर संभाग के तमाम जो पदाधिकारी उनका संवाद का कार्यक्रम पीसीसी मुख्यालय के अंदर रखा गया है। 10 बजे का वक्त है, तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब ये संवाद का कार्यक्रम शुरू होगा। 2 महीने का ये कार्यक्रम रहेगा, खासकर इस अभियान का अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीसीसी चीफ इसमें शामिल होंगे, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी रंधावा मौजूद रहेंगे और